लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि अल्लाह तबारक व तआला एक दिन जमीन को समेट देगा, आसमानों को जो है वो फना कर देगा और पूरी कायनात फना हो जाएगी और कयामत कायम होगी। दुनिया अब अपने उरूज की बजाय अब अपने जवाल की तरफ जा रही है। हालात ऐसे नजर आते हैं कि अब अल्लाह तबारक व ताला कायनात को समेटना चाहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कयामत पर ईमान लाना ये अहले ईमान का मुत्तफक अलैह अकीदा है। जो बंदा कयामत का इनकार करे, फुकहाए किराम उसको काफी जानते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दिन कयामत आएगी और जिस वक्त कयामत कायम होगी तो दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएगी, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारह अपने सहाबा से फरमाया, लोगों कयामत की तैयारी करो, लोगों कयामत के लिए अच्छे अमाल करो, इसलिए कि कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन न माँ अपनी औलाद को पहचान सकेगी, न बाप अपने बेटे को पहचानेगा, बल्कि अल्लाहु अकबर मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, एक बेटा अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से एक नेकी का सवाल करेगा, माँ तूने सारी जिंदगी मेरी खुशियों का ख्याल किया, माँ तूने मेरी बात का कभी इनकार न किया, माँ तू अपनी सारी खुशियाँ मेरी खुशियों की खातिर कुर्बान कर दिया करती थी, आज तेरा बेटा तुझसे एक नेकी का सवाल लेकर के आया है। माँ उसको जवाब देगी, तू कौन है, मैं तो तुझे पहचानती भी नहीं, मुझे पता नहीं मैंने किसी बेटे को जन्म भी दिया था या न दिया था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कयामत का दिन वो दिन होगा जब सबकी जबानों पर नफसी नफसी होगी, हत्ता के मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने अंबियाए किराम होंगे उनकी जबान पर भी नफसी नफसी होगा। अल्लाह अकबर, ये कैफियत और हालात कयामत के हैं। कयामत कब आएगी इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वाज़े तौर पर कयामत का कोई सना नहीं बताया, कयामत का कोई साल नहीं बताया। अलबत्ता उम्मत की इबरत के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए, उम्मत की तालीम के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की कुछ निशानियां बताई है कि जब तुम कयामत की निशानियां देखो तो समझ जाओ कयामत तुम्हारे करीब है और उसके बाद कयामत की तैयारी करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में कहीं पर कयामत की 7 निशानियां हैं, कहीं पर कयामत की 10 निशानियां हैं, कहीं पर कयामत की 30 निशानियां हैं, कहीं पर कयामत की 70 निशानियां हैं, गज़ के छोटी बड़ी निशानियां मुख्तलिफ अहदीस के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आज मैं आपके सामने कयामत की निशानियों के हवाले से कुछ मारूजात मुख्तलिफ अहदीस के हवाले से पेश करने की सआदत हासिल करूंगा, ताकि हम और आप देखें और माहौल का जायजा लें और उसके बाद फिर गौर करें कि कयामत कितनी करीब है और हमें कयामत की तैयारी करना चाहिए। एक बात तो कहने वालों ने कहा है कि कयामत जब आएगी जरूर आएगी, लेकिन हर इंसान की कयामत उसी दिन आ जाती है जिस दिन उसकी मौत वाकई होती है। इसलिए कि जिस दिन इंसान की रूह का रिश्ता उसके जिस्म से टूट जाता है, इंसान उसके बाद फिर कयामत की तैयारी नहीं कर सकता। इसलिए जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है कयामत की तैयारी कर लो, उस दिन की तैयारी करो जिस दिन बाप बेटे के काम नहीं आएगा, माँ बेटे के काम नहीं आएगी, दोस्तों दोस्तों का दुश्मन बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादहुम लिबादिन अदू, कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं जो
तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, ये सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस दिन हिसाब होगा। तो कुरान कहता है فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, अगर एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी उसका भी तुम्हें देखना होगा, एक जर्रे के बराबर गुनाह किया होगा उसका बदला भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब मेरा करीम तुम्हें तुम्हारे शर का बदला दे रहा होगा, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का बदला दे रहा होगा, जब वो हिसाब की कुर्सी पर अल्लाह अकबर अपनी शान के मुताबिक जलवगर होगा, तो मेरे करीम के गजब के आलम को कुरान यूं बयान करता है। यहाँ लोगों की चर-चर चलने वाली जबान, लोग बेबाकी के साथ सोचते हैं कि रब की बारगाह में भी गोया कि हम यहाँ जैसे गुफ्तगू करते हैं वहाँ गुफ्तगू कर लेंगे। कुरान उस मंजर को यूं बयान करता है यौम यकूमु रूह वल मलाइका सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे सारे फरिश्ते सफ ब सफ अल्लाह की हैबत से कांप के खड़े होंगे, फरिश्तों में कलाम करने की जुरत नहीं होगी। जनाब जिब्रील जो सारे फरिश्तों के सरदार है उनमें भी कलाम करने की ताकत नहीं होगी, अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। आप मुझे बताएं जब मासूम अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे तो हम तो अपनी रातों को गुनाहों में गुजारते हैं, हम तो अपने दिन को गुनाहों में गुजारते हैं, हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों के लिए वक्फ कर दी है। आप बताएं हम कैसे जवाब देंगे और जवाब दे भी कैसे सकते हैं। कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून, वो दिन कैसा दिन होगा जब अल्लाह तुम्हारी जबानों पर मुहर लगाएगा और तुम्हारे आज़ा अल्लाह से कलाम करेंगे। उस दिन का तसव्वुर तो करो, उसके लिए तैयारी करो, इत्मीनान से मत बैठे रहो कि पता नहीं कयामत कब आएगी। हमारे बाप दादा कहते थे कयामत आएगी, आज भी कहा जा रहा है कयामत आएगी। याद रखो कयामत तो आके रहेगी, लेकिन जिस दिन हमारी मौत का दिन है वही हमारे लिए कयामत का दिन है। आसारे कयामत, कयामत की निशानियाँ मेरे आका अली सलात व तस्लीम ने बयान किया। अब हदीस मुबारका की रोशनी में सुने और उसके बाद गौर करें कयामत हमसे कितनी करीब है, हम कयामत से कितना करीब है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम अलैहि तैयतो व तस्लीम फरमाते हैं कयामत की निशानियाँ कुछ छोटी है कुछ बड़ी है और मुख्तलिफ औकात में कयामत की निशानियों का जहूर होगा। उनमें से कयामत की निशानियों में एक निशानी मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, माँ अपने आका को पैदा करेगी, माँ से आका पैदा होगा। माँ से आका के पैदा होने का मकसद क्या है? मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं माओं को ऐसी औलाद पैदा होगी जो अपनी माओं के साथ ऐसा सुलूक करेगी जैसा आका अपने गुलाम और कनीज के साथ सुलूक करता है। माँ बाप बगैर मशवरे के कोई कदम नहीं उठा सकते। आज का माहौल आप देखें, अगर बाप जिंदगी भर कमा कमा कर तरक्की पर ले गया और आज वही कारोबार बेटे के हाथ में है और बाप को अगर कोई कहा कह दे कि आप मदरसे में चंदा दे दें या आपके काम कर दें, तो बाप कहता है मैं पहले अपने बेटे से मशवरा करूंगा उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। माँ कहती है मैं पहले अपने बेटे से मशवरा करूंगी उसके बाद जवाब दूंगी। मैं मशवरे का मुखालिफ नहीं, मशवरा करना अच्छी बात है, लेकिन मशवरा माँ बाप शफकत की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ औलाद के शर से बचने की बुनियाद पर कर रहे हैं। इसलिए के अगर मैंने औलाद के मशवरे के बगैर मदरसे में चंदा दे दिया, किसी गरीब की मदद कर दी या कोई फैसला कर लिया, तो मेरी औलाद मुझे डांटेगी, मुझ पे घर में प्रेशर डाला जाएगा, मुझे जलील किया जाएगा, मुझे रुस्वा किया जाएगा। आज औलाद ने अपने माँ बाप को गुलाम बना लिया है, माँ बाप खुद से कोई फैसला नहीं कर पाते, माँ बाप कोई कदम उठा नहीं पाते। लेकिन आओ अल्लाह अकबर मुसलमानों के अंदर
वालिदैन के हुकूक को मेरे आका अलैहि सलाम ने किस तरह बयान किया। हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप के आदाब में से एक अदब ये है, जब तुम माँ बाप से गुफ्तगू करना चाहो तो डायरेक्ट तुम गुफ्तगू नहीं कर सकते। माँ बाप का अदब ये है कि पहले तुम अपने वालिदैन से इजाजत लो और इजाजत लेने के बाद पहले ये पूछो, क्या मैं तुमसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अगर माँ बाप इजाजत दे तब उनसे तुम गुफ्तगू करो, लेकिन गुफ्तगू करो तो भी कैसी गुफ्तगू करो, हाथों को उठा उठा कर बगले खोल खोल कर गुफ्तगू न करो, बल्कि अपने अबाहों को उनके सामने बिछा दो और उनके सामने ऐसी गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने नजाजत की गुफ्तगू करता है, जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने कलाम करता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हाजियों को देखो, नमाजियों को देखो, सदका वो खैरात करने वालों को देखो, इतना माशाल्लाह, मुझे आप पर शक नहीं कितने वो लोग हैं जो माँ बाप के साथ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, कितने वो लोग हैं जो वालिदैन के साथ गुफ्तगू करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा लहजा दूसरों के साथ होता है वैसा ही लहजा वालिदैन के साथ होता है। ये आसार कयामत में से एक असर है, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, माँ अपने आका को पैदा करेगी, माँ अपने आका को जनेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि माज़ल्ला कुछ लोग वालिदैन की खिदमत करते हैं तो ये समझते कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अल्लाह अकबर, औरों का हाल तो ये है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर दोस्तों की महफिल हो और कभी बीवी हो बच्चे हो तो इंसान अपने दोस्तों पर वालिदैन को तरजीह भी नहीं देता, उस इंसान अपने दोस्तों पर अपनी बीवी बच्चों पर वालिदैन को तरजीह भी नहीं देता। हालात ये है कि माज़ल्ला अगर वालिदैन बूढ़े हो जाए तो उन्हें घर का कचरा समझा जाता है, उन्हें माज़ल्ला इसी तरीके से गैर जरूरी समझ करके घर में रखा जाता है। कितने वो लोग हैं जो खालिस ने वजीदा माँ बाप की खिदमत करते हैं। लोगों का हाल तो ये है, चलो बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो, अगर खिदमत नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ताना देगी। दुनिया के ताने से बचने के लिए आज लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं। बहरहाल मेरा उन्मान ये नहीं कि मैं वालिदैन के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू करूं, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, अपने माँ बाप की कद्र करो। आका फरमाते हैं, जिसकी माँ उससे नाराज है अल्लाह उसके सजदों को कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह उसकी नमाजों को कबूल नहीं करता। और कुरान ने तो फरमाया माँ बाप के सामने उफ भी मत करो। ये उफ का तर्जुमा क्या है, उफ किसे कहते हैं? कुबतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरब में उफ जो है वो नाखून के मैल को कहते हैं। उफ का मतलब है नाखून का मैल, यानी जितना नाखून के नीचे मैल जमा होता है उतना भी अपने वालिदैन को तकलीफ मत पहुंचाओ। अब नाखून के नीचे मैल कितना जमा होता है, इतनी तकलीफ भी माँ बाप को पहुंचाने की इजाजत नहीं है, इतनी तकलीफ भी वालिदैन को नहीं पहुंचा सकते। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के बाद अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए दुआ न करे उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं होती, उसकी नमाज नाकिस रहती है। लेकिन आज वालिदैन को क्या समझा जाता है? कयामत की निशानियों में से एक निशानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाई कि एक इंसान अपने दोस्तों को ज्यादा चाहेगा और अपने बाप से मोहब्बत कम करेगा, दोस्तों से ज्यादा बाप से मोहब्बत नहीं कर सकेगा। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, दोस्तों पे खर्च करने के लिए खुशी खुशी खर्च करेगा, लेकिन जब माँ बाप पर खर्च की बारी आएगी तो दिल छोटा करेगा, दिल तंग करेगा। आज आप देख लें कयामत कितनी करीब है, कयामत की ये निशानी आज हमारे माशरे में जाहिर है कि जब कभी अल्लाह अकबर पिकनिक का मामला हो, दोस्तों की महफिल का मामला हो, यारों की महफिल का मामला हो,
हजारों रुपए दोस्तों की पिकनिक पर खर्च कर दी जाती है, लेकिन अगर बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में बीमार हो जाएं और बच्चे से खर्च तलब करें, बेटा हम बीमार हो गए हैं हमारी मदद तो करो, अच्छे डॉक्टर से हमारा मुआयना तो करवाओ, तो बेटा कहता है बस कीजिए बुढ़ापे में आपको कितने पैसे लगते हैं, मैं आपके पीछे खर्च करते करते थक चुका हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग अपने दोस्तों पे खर्च करेंगे और माँ बाप पर खर्च करने में दिल छोटा करेंगे। आज ये निशानी भी जाहिर हो गई, नाम बड़ा करने के लिए, दोस्तों में झूठी इज्जत बनाने के लिए इंसान हजारों रुपए खर्च करता है। मैं दोस्तों पे खर्च करने को मना नहीं करता, यकीनन मेरे आका ने फरमाया जो दोस्तों पे खर्च करे अल्लाह उसको सदके का सवाब अता फरमाता है, लेकिन जहाँ दोस्तों पे खर्च करते हो वही वालिदैन पर भी तो खर्च करो। दोस्तों पर झूठी इज्जत धाक जमाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हो, माँ बाप पर तंगी करते हो। सुनो आका इरशाद फरमाते हैं जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसकी जिंदगी में इजाफा फरमा देता है, उसकी जिंदगी को बढ़ा देता है। अल्लाह हू अकबर, जिंदगी पूरी दुनिया की दौलत देकर एक सेकंड जिंदगी नहीं बढ़ सकती, लेकिन माँ बाप पर खर्च करने की बरकत ये है कि जब इंसान माँ बाप पे खर्च करे तो अल्लाह उसकी जिंदगी में इजाफा फरमा देता है, उसकी जिंदगी में बढ़ोतरी कर देता है। कमेंट शेयर जरूर करिए।